भजन को सुनना, इस भजन की एक एक लाइन सुनना। अब ये जो भैया जिनमें अब जोश आया है, ये सारे बुलंद आवाज में कहेंगे बाबा से कि बाबा कहेंगे। अब फोन जेब में रख लो भैया, इस भजन को अच्छे से गाना, दिल से गाना, सबकी अर्जी पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। जिसके जैसे भाव होंगे बाबा उसको वैसा आशीर्वाद जरूर देंगे। कहना कि बाबा बोलो हारा हूँ बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। बाबा दुनिया से सुना तेरे दरबार में जो हार कर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी बच्चा बनकर आया हूँ, दुनिया की ठोकरें खा कर आया हूँ, मुझे विश्वास है आज हार कर आया हूँ लेकिन जीत कर जाऊंगा। अरे हारा हूँ बाबा पर तुझ पे और बाबा जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये बाबा बस ओ मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। सारे कह दो हारा हूँ बाबा हाँ जीतूंगा एक दिन। कौन कौन हार कर आया है और उसको भरोसा है कि मैं जीत कर जाऊंगा, आओ जरा इस भजन में तो हाथ उठाना पड़ेगा। जो जितने लंबे हाथ उठाएगा तरक्की में उतना जल्दी ऊपर जाएगा। जितनी माताएं बहनें सर्दी लग रही है ताली बजाओ, गर्मी लगने लग जाएगी सेवा में। कहना बोलो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है अरे जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता। ओ मेरे माँ जी बन जा, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। बजाओ ताली, गाओ हारा और बाबा और अरे जीतूंगा एक दिन। हो सच में दिल कहता है तो हाथ उठाना, अगर मेरे कहने पे हाथ उठाओ कि काम नहीं बनेगा, अपने दिल से हाथ उठाओ, सिर के ऊपर ताली बजाओ। ये जोर से बोलो सबको मालूम है। पांच पांडव थे
में से एक थे भीम। कौन थे? भीम। भीम के पुत्र थे घटोत्कच। कौन थे? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। कौन थे? और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। कौन थे? बोलो बर्बरिक सरकार की। अब सुनो, जब बर्बरिक 14 साल के हुए, महादेव की कठिन तपस्या करी, महादेव से 3 बाण हासिल करे। बोलो 3 बाण धारी की। जब 3 बाण हासिल करे, अपनी माँ को आके बोले, माँ मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ने जाता हूँ। माँ बोली, 14 साल का बालक महाभारत की लड़ाई कैसे लड़ेगा? हट करने लग गए। नहीं माँ, मैं भी महाभारत की लड़ाई लड़ूंगा। माँ बोली, जा बेटा लड़ना, लेकिन उसकी तरफ से लड़ना जो हारे। किसकी तरफ से लड़ना? जो हारे। अब सबको मालूम था पांडव 5 हैं, लेकिन उनके साथ स्वयं कृष्ण भगवान हैं, और कौरव चाहे 100 हैं, उनके पास पूरी नारायणी सेना है, पर वो जीत नहीं सकते, क्योंकि बुराई की जीत कभी भगवान ने नहीं होने दी। कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक की परीक्षा लेने आए। बर्बरिक से बोले, 14 साल का बालक कैसे महाभारत की लड़ाई लड़ेगा? बर्बरिक बोले, स्वामी जो परीक्षा लेनी है ले लो। गोविंद बोले, बर्बरिक अपना शीश काट के मेरे चरणों में दान कर दो, तो मानू कि तुम बड़े योद्धा हो। बर्बरिक ने सोचा, 1 सेकंड नहीं सोचा और शीश काटा, गोविंद के चरणों में रख दिया। बोलो शीश के दानी की जय हो। गोविंद खुश हो गए। कृष्ण भगवान ने बोला, हे बर्बरिक, तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। बोलो श्याम प्यारे की। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तेरा प्रभाव कलयुग में बढ़ता जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। जो हार कर आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। आज तक नहीं हुआ, बाबा को वरदान है। अब ताली बजाओ, सारे बजाओ ताली। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। ताली बजाओ, बजाओ ताली। कहना मेरे साथ में, मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है। आ रहा हूँ बुलंद आवाज में, अरे जीतूंगा। सावरा, मैं हूँ तेरा
पूछे अब मुझे क्या करूं? अरे आता नहीं कुछ समझ अब मुझे। जो जो हार कराया है कहना हारे हारे हो बाबा, हम तो तुम हारे के। कहते हैं कि सैकड़ों गर्ज मंद मिलते हैं और काम के लोग तो चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का समय आता है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहना मिलकर बोलो हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे का